मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ और इसका एक बड़ा पेड़ा बना। यहाँ पे रखेंगे, प्रेस करेंगे, बंदा खाता है, किसी को देता है। कंडीश आउट करने लगे हैं इस तरीके से, इस तरीके से के लिए। ये देखिए ये कितनी मजेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। आज कुछ नया करने लगे हैं, कुछ अलग करने लगे हैं, कुछ शॉर्ट करने लगे हैं। मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आज मैं गल ही मुकान लगा शॉर्ट तरीके से, 5 से 6 मिनट में आप मीठी टिक्कियां किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन तवज्जो से देखिएगा। मीठी टिक्कियां बनाने के लिए हमने 2 पोर्शन में ये चीजें ले ली, 3 इधर 3 इधर, कहानी मुका दी। गल समझ आ रही है? इस तरह का एक बॉल ले लिया, इसके साथ का एक गिलास हमने दूध का ले लिया, जिसको नीम गरम कर लिया, गरम गरम दूध है, ठीक हो गया। इसमें शामिल कर लिया, हल्का गरम है, ज्यादा गरम नहीं करना। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून घी शामिल कर दिया है, गल जो मुकानी हुई 4 टेबलस्पून चीनी शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। आप इस तरह बीटर से भी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया। टिक्कियां जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि घी का इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल ना करें, ऑयल से नरम हो जाती हैं। हमने 500 ग्राम मैदा ले लिया, इसके अंदर 3 टेबलस्पून सूजी शामिल कर देंगे, 4 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर खोपरा क्रश किया हुआ शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून भर के तेल शामिल कर देंगे, और ये हमारे पास सब्ज़ इलायची का सेंस है। अगर आपके पास पाउडर है पाउडर भी डाल सकते हैं, सब्ज़ इलायचियाँ कूट के भी डाल सकते हैं। 2 से 3 ड्राप ये शामिल कर देंगे बस खुशबू के लिए, ठीक हो। मेरे पास पाउडर नहीं था, मैंने इसलिए सेंस डाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 चीजें इधर मिक्स कर ली, 3 इधर मिक्स कर ली। इसको उठा के इसके अंदर इस तरह ऐसा ऐसा इस तरह आटा गूंदते हैं डालते जाएंगे और इसकी डो गूंदते जाएंगे, आराम आराम से ऐसा ऐसा शामिल करेंगे, ठीक हो गया। एकदम शामिल नहीं करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा फिर शामिल करेंगे, फिर इसको गूंद लेंगे, हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। 2-3 मिनट हो गए गूंदते हुए, इसको हमने गूंदा इसको, और हमने गर्म दूध में चीनी शामिल की थी, चीनी ने गर्म दूध की वजह से इसके अंदर मेल्ट हो गई अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। हल्का सा इस तरीके से लगा लें और ये इसको इस तरीके से गूंद लें। हमने इस तरह की हार्ड डो चाहिए, हमने सख्त वाली डो लगा ली इस तरीके से। अब इसको कवर करके रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से सूजी ने और चीनी ने अपना काम दिखा दिया। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर हमने घी डाल दिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, फ्लेम को फिलहाल मीडियम टू लो रखने लगे हैं क्योंकि हमने इसको भी बेलना है। यहाँ पे इसको उठा के इस तरीके से इसको यहाँ पे वर्किंग टेबल पे लेंगे और इसका एक बड़ा पेड़ा बना लेंगे, गल जी मुका लेंगे, ठीक हो गया। बहुत प्यारी खुशबू अभी इसे डो में से भी आने लगी है। इस तरीके से इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे हाथों की मदद से, इस तरीके से। अब कितनी आपने मोटी बनानी है टिकिया मीठी, कितनी आपने बारीक बनानी है, ये आप पे, आप इसको बना सकते हैं, ठीक हो गया। मोटी या पतली जैसी भी आप चाहें, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हम बेलेंगे, जिस साइज का मर्जी आप बेल लें, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से उठा के आराम से इसको इस तरीके से पलट लें और इसको फिर और इस तरीके से बेल लें, कोई मसला नहीं है। ये हमने इतनी मोटी इसको बेल लिया, ठीक हो गया। इतनी मोटी कम से कम हमारी जो टिक्की है होनी चाहिए, ज़्यादा अगर वो पतली बेलेंगे तो वो खस्ता हो जाएगी, आप जिस तरह की दिल चाहे बेल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक गिलास कोई ढक्कन कोई भी चीज़ ले लेंगे इस तरह की जो नुकीली हो, नोकदार हो, आराम से कट जाए। यहाँ पर रखेंगे, प्रेस करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, प्रेस करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया, ये हमने बना ली। इसको इस तरह हम दोबारा उठा लेंगे और इसको दोबारा से गूंद इस तरीके से पेड़ा बना के दोबारा से इसको हम बेल लेंगे। ये सारी हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रख देंगे इस तरीके से।
थोड़ा सा ये डो का हल्का से डो डालेंगे छोटी सी इसको चेक करने के लिए घी को ये हुआ है कि नहीं हुआ। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ घी ना हो, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, कलर आने तक इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये मैदे से हम बना रहे हैं, कुछ लोग आटे से भी बनाते हैं। अगर आप आटे से बना रहे हैं फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा, हम मैदे से बना रहे हैं मैदा जल्दी कुक हो जाता है, ये बात भी आपके जहन में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से फौरन चम्मच वगैरह नहीं हिलाएंगे। इनका जो फ्राई टाइम है मीडियम फ्लेम पे वो 3 से 4 मिनट रहेगा। ये आराम आराम से कुक होती रहेंगी, कलर आता रहेगा। किस टाइम हम साइड चेंज करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे मेरे भाइयों। ये लीजिए 1.5 से 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड से भी हम कुक होने देंगे। इस साइड से देखें किस तरह प्यारा गोल्डन गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। और जिस कलर की आप चाहते हैं उस कलर की भी आप फ्राई कर सकते हैं। कुछ लोग डार्क पसंद करते हैं, कुछ लाइट पसंद करते हैं, अब ये आपकी पसंद पे है। ठीक हो गया, इस साइड से भी हम हल्का सा कलर आने देंगे, 2 मिनट लगेंगे। इस टाइम पे आके इनको हम निकालेंगे 4 मिनट के बाद, 4 से 4.5 मिनट लगेंगे इनको इस कलर में निकाल लेंगे। आप अगर पसंद करते हैं कि थोड़ा सा डार्क कलर हो तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा डार्क होगा तो लुक वाइज खूबसूरत नहीं लगती टिक्कियाँ। बंदा खाता है, किसी को देता है, कोई सवाल तो आवे, इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे, कोई मसला नहीं है। देखें इनकी लुक कितनी खूबसूरत है, ये देखें हैं। इसको भी यहाँ पर रख देंगे, दोबारा भी इसी तरीके से डालेंगे तमाम। इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे, आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ये लें जी, इनको भी निकाल लें। तमाम हमने इस तरीके से फ्राई कर ले और फ्लेम को बंद कर दिया। इस टाइम पे आके हम मीठी टिक्कियां डिश आउट करने लगे हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह, देखें इनकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है, हैं, गल समझ आ रही है, कितनी प्यारी बनी है और फूली हुई बनी है। ये देखें इस तरीके से हम लगा लेंगे खूबसूरत सी करके, ऐसे इस साइड पे रख देंगे इस तरीके से। ये हाँ इस तरीके से। ये एक टिक्की हमने बचा ली, ये आपको तोड़ के दिखाने के लिए। ये देखें ये कितनी मज़ेदार, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से खस्ता, किस तरह कमाल की हमने तैयार करके आपको दिखा दी। मीठी टिक्कियाँ किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो मीठी टिक्कियों की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें मेरे भाइयों। जहाँ तक मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।